नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानो। चलिए रुक करते हैं झांसी की कुछ अहम खबरों का। कचहरी स्थित गांधी उद्यान में आयोजित धरने को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि सरकार ने पहले गरीबों को सिलेंडर देकर लालच दिया, अब उसके दाम बढ़ाकर धोखा दिया जा रहा है। रसोई के सभी सामान महंगे कर दिए गए हैं, जिससे आम आदमी परेशान हो। चेतावनी दी गई है कि अगर सरकार ने महंगाई न घटाई तो महिलाएं सड़क पर उतरने को मजबूर होंगी। झांसी से संवाददाता मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। देखिए, आज सबसे पहले सरोजिनी नायडू का जन्मदिन के मौके पर हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और चूंकि उनका जीवन शैली हमको समझाता है कि हमें किस तरह से जागरूक होने की ज़रूरत है, और ऊपर से पार्टी निर्देश भी हम लोगों को कि आज घेरा मतलब आंदोलन करना है, क्योंकि सरकार जो कह रही है वह कर नहीं रही है। उसने बहुत वादे किए लेकिन वादे पर बिल्कुल सही नहीं उतर रही है। इसीलिए हम जागरूक करने आए हैं महिलाओं को कि जागरूक हुई है, गलती मत करिए। ये 5 साल पहले जो गलती करी थी अब दोहराने की ज़रूरत नहीं है, अब आंखें खोलने की ज़रूरत है। आज सरोजिनी नायडू जी का जन्मदिन है, और उनके जन्मदिन पर चूंकि हम चाहते हैं कि सब महिलाएं उनके पदचिन्हों पर चले, एक आदर्श महिला और भारत की प्रथम गवर्नर महिला रही वो, और दूसरा जो भाजपा सरकार ने अखिलेश भैया की जो सुविधाएं महिलाओं को उन्होंने दी थी वो सारी छीन ली, वो ख़त्म कर दी, वंचित कर दिया उन महिलाओं को। तो उन महिलाओं को हमने याद दिलाया है कि अखिलेश भैया ने जो सुविधाएं आपको दी हैं वो फिर से वापस लौट आएंगी। जो सरकार ने गुमराह किया है महिलाओं को, सिलेंडर दे के महंगाई कर दिया सिलेंडर पर, उसको लेके आज हमने महिला घेराबंदी भी की है, और इन महिलाओं को बुलाकर हम एक संदेश देना चाहते हैं कि बहुत जल्द अखिलेश भैया आएंगे और आपकी जो सुविधाएं छीनी गई हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं छीनी गई हैं, जो हेल्पलाइन सुविधाएं छीनी गई हैं, वो वापस आएंगी।